हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं अशोक साहब के पास। देख सकते हैं ये इन्होंने अपना वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू कर रखा है। यहाँ आप सोच भी नहीं सकते इन्होंने कहाँ आकर अपना काम शुरू करा है। बाकी आपको जानकारी ये देंगे। भाइयों, मेरा नाम अशोक कुमार, पादप संजीवनी वर्मी कंपोस्ट के नाम से मेरा वर्मी कंपोस्ट का ब्रांड है और मैं आप लोगों की सेवा में पिछले 10 साल से कार्य कर रहा हूँ। और भाइयों, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल पादप संजीवनी को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे जुड़ सकें और आपसे किसान और आम आदमी से जुड़ी हुई समस्याओं पर हम समाधान कर सकें। तो भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे मंसूर भाई हम बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक चुना। देखिए, ये जो आपके सामने काफ़ी एरिया में फैली हुई वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, यहाँ से हमारा करीब जो है 100 टन पर ईयर का हमारा प्रोडक्शन है, लेकिन हम उत्तम क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट और मिनिमम कॉस्ट में हम अवेलेबल कराते हैं लोगों को। जी तो सर, आप इसके बारे में थोड़ी सी लोगों को जानकारी दें कि किस तरीके से आप इसे तैयार करते हैं, कहाँ आप इसे सेल करते हैं, आपके पास ग्राहक कैसे आते हैं, क्योंकि हमारे भी सब्सक्राइबर जो हैं आपसे ज़्यादातर मैं नर्सरी पे वीडियो बनाता रहता हूँ। जी जी तो सर, इसके अकॉर्डिंग आपके पास आएंगे और आपका मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपने आप इनसे बात कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद खरीद सकते हैं। पौधों के लिए काफ़ी अच्छा, सेहतमंद होता है, इसकी जानकारी अशोक कुमार देंगे आपको। देखिए देखिए, होता क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, हमें इसको समझना है। जी, वर्मी कंपोस्ट क्या है कि हम फसल अवशेष और जो पशुओं का हमारा हमारे पशुओं का जो गोबर होता है उसमें बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे जीवाणु और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, लाभदायक चीज़ें होती हैं जिनमें जहर नहीं होता और वो हमारी खेती के लिए जिनको ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। तो हम उसको वर्म के द्वारा, यानी कि कैंचुआ टाइप, कैंचुआ होता है, जैसे कैंचुए की तरह होता है, जिसको जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है मेरे पास में एसिना फैटिडा, जी ये उस गोबर को खाता है और खा के उसको जो पोटी करता है, जो टट्टी करता है उसकी, एक तरीके से मानिए वही बेस्ट क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट होता है। जी, जब ये उसको खाता है खा के, तो इसमें उसकी लार मिली रहती है, दूसरी बात वर्म इसी के अंदर खा के और मर जाता है। जी, तो ये इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। जी, जिसके अंदर पौधे को जरूरत के हिसाब से सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं। तो सर, ये जो वर्मी कंपोस्ट में जो केंचुए आपने बताए हैं, तो ये आप हमें दिखाएंगे एक बार प्लीज? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। जी जी जी, दिखाइए। ये देखिए आपके सामने, अभी मैंने एक छोटा सा एरिया, थोड़ी छोटी सी बेड खोला है। जी, तो ये इसमें जो रेड वर्म है यही हमारा एसिना फैटिडा है, और मैं पूरी मात्रा में, मेरे यहाँ आप डालो देखोगे बेड में, तो पूरी मात्रा में आपको वर्म मिलेगा, ये नहीं है केवल। जी हाँ, तो मैं वर्मी कंपोस्ट ही बनाता हूँ। जी, और देख सकते हैं आप, ये काफ़ी पैड लगा रखे हैं इन्होंने और काफ़ी बड़ी मात्रा में इनका काम है ये। तो गाइज, आप जिस किसी को इसे परचेस करना है, अपने पेड़ पौधों में लगाना है या अपनी खेती में भी लगाना है, तो गाइज इन पे नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में इनको नंबर दे दिया जाएगा आपको। देख सकते हैं इधर भी काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं, और जी इधर भी काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। गाइज, मेरा सबसे मेन चैनल जो है वो गाइज, तो आप देख सकते हैं मैं आपको पौधों के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधों में वैसा खाद हम इंग्लिश खाद नहीं लगा सकते, तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट रहता है। तो गाइज, इनके पास थोड़े दिनों ने पौधे भी लगा रखे थे, तो वो पौधे हमने ख़रीद कर इनसे परचेस किए हैं। ये देख सकते हैं, ये फाइकस पाम्प है, फाइकस है, और ये वाशिंगटोनिया पाम्प है। इसे हमारी खुदाई चल रही थी तो इसके अकॉर्डिंग हमने वीडियो बनाई, और इनको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वर्मी कंपोस्ट लगाएं। देख सकते हैं गाइस, आप सबसे बेस्ट क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है ये। गाइस, जिस किसी भाई को ख़रीदना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, कॉन्टेक्ट करके बात करके
वर्मी कंपोस्ट खरीद सकते हैं।